हाय गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। वैसे तो कहा जाता है कि पिकॉक्स, छोटे मोटे कीड़े, छोटे छोटे स्नेक, कंचड़े, बीची, जो बिच्छू बोलते हैं, ऐसे जानवरों का भोजन करता है। यदि अनाज खाता है तो वो मोटे अनाज को खाता है, लेकिन आप देख सकते हो बाजरा के छोटे छोटे दाने, पिकॉक इन छोटे पक्षियों के लिए जो दाने इस देवी के मंडप के पास डाले गए हैं उनको कैसे चुग रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि अब ये बड़े पक्षियों को जब इनका पसंदीदा भोजन नहीं प्राप्त होता है तो ये छोटे पक्षियों यानी ये चिड़ियाओं के लिए जो बाजरा के दाने फेंके गए हैं उनको ये आसानी से चुग रहा है। इसकी चोंच की बनावट हालांकि ऐसी है कि इतनी पैनी है, नुकीली है कि जो छोटे स्नेक, बिच्छू, कंचड़े ऐसे जो छोटे रेंगने वाले जानवर हैं उनको ये मारने के लिए इसको प्रकृति ने दी हुई है। लेकिन अब छोटे बाजरे के दाने भी आराम से इस चोंच से उठा लेता है। अब हम बात एक दूसरी और कर लेते हैं। अब पिकॉक के पंख देखिए, पिकॉक अब साथ साथ आपको इन पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इन पक्षियों की आवाज़ के आनंद लीजिए और प्रकृति में जीने का अनुभव महसूस कीजिए। तो अब मैं बात करता हूँ इस पिकॉक के पंखों की। अभी अभी अगस्त यानी अगस्त के आसपास ये जो पिकॉक्स हैं अपने पंख गिरा देते हैं ना, तो उसके बाद अब पंख वापस उगने लग गए हैं। तो देखिए कितने छोटे हैं, नहीं तो जब पूरे यौवन में इसके पंख होते हैं। अब जैसे अब गर्मियों के दिन है, गर्मियों के बाद में सर्दियों के बाद में गर्मी आएंगी, गर्मियों के बाद में जैसे ही बरसाती मौसम आएगा फिर ये अपने प्यार के लिए बड़े पंख होने के बाद पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देंगे, नृत्य शुरू कर देंगे और मादा को आकर्षित करने के लिए अपनी सारी कलाओं का उपयोग करेंगे। अब मैं बारीकी से दिखाता हूँ इसकी। जो देखो ये छोटे छोटे ये वही पंख हैं जो एक दिन पीछे जो बड़े हैं ना वहाँ पर जाके ये बड़े हो जाएंगे। यानी कि इनकी जो गर्दन के नीचे जो गर्दन के बाद में जो नीला गर्दन का जो नीला पोर्शन है उसके बाद में जो पंख दिख रहे हैं कलर्ड ग्रीन ग्रीन, ये सारे के सारे पंख जो हैं बड़े होकर पीछे चले जाते हैं और वहाँ जाकर बड़े होते हैं। फिर ये पंख को साल में एक बार गिरा देते हैं। तो इन छोटे छोटे पक्षियों के लिए, इस राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि शेयर करना है तो फेसबुक पर ज़रूर करें। अब मैं इन पक्षियों की आवाज़ के साथ साथ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो